रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक है और हरियाणा सरकार जो है माताओं बहनों के लिए बसों में यात्रा फ्री के लिए घोषणा करती है हर साल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में कि बसों में माताओं बहनों का जो किराया है वो फ्री रहेगा। तो अब की बार इस साल एक रिक्शा चालक है, ऑटो रिक्शा चालक, जो हरियाणा सरकार को टक्कर दे रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में माता बहनों के लिए ऑटो में जो यात्रा है वो फ्री रहेगी। देखिए इस समाज सेवी मुकेश सचदेवा जिनका नाम है, इनकी दरिया दिली देखिए, जो हरियाणा सरकार को टक्कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी जिस तरह से सरकार हर साल हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं उनमें माताओं बहनों का उनके सम्मान में किराया फ्री करती है, तो उसी प्रकार इस समाज सेवी ने, इस रिक्शा चालक ने भी जो किराया है वो फ्री किया है। 30 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मुकेश सचदेवा जो एक समाज सेवी है और ई रिक्शा चलाते हैं, उस दिन पूरे दिन इन्होंने माताओं बहनों के लिए जो किराया है वो फ्री किया है। वो फ्री में यात्रा करवाएंगे माताओं बहनों के सम्मान में। मुकेश सचदेवा जी से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मुकेश सचदेवा जी, क्योंकि हर साल जो है हरियाणा सरकार बसों में किराया फ्री करती है, तो आपके दिमाग में कैसे आया, क्या कुछ किस तरह करेंगे? मन में तो ऐसा ही रहता है जी, समाज सेवा के लिए मैं 24 घंटे तैयारी रहता हूँ सर। किसी प्रकार की, देखो जितनी मेरे से सोच सकती है, तन से मन से मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। देखो धन लगाने के लिए मेरे पास नहीं है सर, अगर धन भी होता तो मैं वो भी लगाने के लिए हिम्मत रखता हूँ सर, देश के लिए, समाज के लिए। क्योंकि देखो इंसानियत सबसे बड़ी चीज है जी, इंसानियत होनी चाहिए हर इंसान के अंदर भी किसी, क्या पता समय कैसा आ जाए हर इंसान के जीवन में। तो सभी को यही मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से भी, इंसानियत को बना के रखें भी, कभी भी जरूरत पड़े। पैसा पैसा कोई चीज नहीं है, पैसे से इंसान जिंदगी नहीं जी सकता। तो जिस तरह से आप तो बिल्कुल हरियाणा सरकार को टक्कर दे रहे, क्योंकि हालांकि वो पैसा सरकारी है, क्योंकि अगर इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो सरकारी पैसा जनता का ही होता है, लेकिन फिर भी वो सरकार के जो नुमाइंदे सरकार चलाते हैं उनका पैसा है, हरियाणा रोडवेज का पैसा है। हरियाणा रोडवेज माता बहनों का किराया फ्री करती है, लेकिन आप अपनी जेब से खर्च करके इस रिक्शा में एक, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक दिन की अगर दिहाड़ी की बात करें आपकी, 1000 या 2000 तो होती होगी, आप नहीं सर, वो उससे। बात नहीं है सर, अब दिहाड़ी तो वो बात नहीं रह गई सर, क्योंकि ई रिक्शा शहर के अंदर अब कम से कम भी 2500 ई रिक्शा हो चुके हैं। क्योंकि बेरोजगारी के कारण जो दुकानदार पे लड़के 7-7-8 हज़ार पे लड़के लगे ले रहे हैं, वो दुकानें छोड़कर ई रिक्शा ही ले आ रहे हैं सर। तो इस टाइम मार्केट के अंदर कम से कम 2400-2500 ई रिक्शा हो चुकी हैं सर। तो ये जो दरिया दिली आप दिखा रहे हैं, ये क्या मन में आई? सर मन में तो देखो मेरे मन में ये समाज सेवा के लिए इच्छा रहती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या हो गया अगर हम उन्हीं माता बहनों से सारा साल कमाएंगे, अगर एक दिन उनकी हम सेवा भी कर देंगे तो इससे कोई हमारी रोजी रोटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा सर एक दिन से। तो माताओं बहनों के सम्मान में, हाँ जी, माता बहनों के सम्मान में, अगर एक दिन उनकी सेवा में अगर अपनी सेवा लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं, तो उन्हीं से सारा साल कमाना है हमने सर। तो किस किस दिन ये यात्रा फ्री रहेगी, माताएं बहनें किस किस दिन यात्रा फ्री कर सकती है? क्योंकि जैसे सरकार की घोषणा है उसमें जैसे एक बच्चा 15 साल तक का बच्चा और माताएं बहनें जो मेरे भी पास है। भी यही है जी, उस दिन माता बहनें और 15 साल तक के बच्चे जो भी बैठेंगे उनको भी फ्री सेवा लेके जाऊंगा। आगे पीछे भी कई सवारी मिल जाती हैं भी, जो कहती है मेरे पे पैसे नहीं मैंने वहां जाना है, तो मैं उनको भी वैसे भी छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मना तो नहीं। डेली रूटीन, डेली रूटीन में भी एक आधी सवारी मिल जाती है सर। तो उस दिन का क्या शेड्यूल रहेगा, कब से कब तक? सर उस दिन सुबह जैसे ही रूटीन 6 बजे के बाद से लेकर के जब रात तक जब भी चलती रहेगी, जब जैसे बीच में सर इसको चार्जिंग करने भी जाना पड़ेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, बीच में जैसे चार्जिंग हो जाएगी दोबारा फिर रोड पे आ जाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया कौन सा रहेगा सर, शहर में कहीं मर्जी जाना चाहें? तो पूरे शहर में? हाँ जी पूरे शहर में, जहां भी मेरी माता बहनें जाना चाहेंगी तो उनको ले जाया जाएगा सर। थैंक यू। तो ये देखिए इस रिक्शा चालक की दरिया दिली, जिस तरह से हरियाणा सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं उनमें किराया फ्री करती है, महिलाओं का किराया और 15 साल तक के जो बच्चे हैं उनका किराया फ्री होता है, तो उसी प्रकार इस ई रिक्शा चालक ने भी दरिया दिली दिखाते हुए रक्षाबंधन वाले दिन माताओं बहनों का और 15 साल तक के बच्चे का जो किराया है वो फ्री किया है। पूरे कैथल में कहीं पर भी उस दिन किसी भी माता बहन को जाना होगा तो ये फ्री में उसको उसके गंतव्य तक
छोड़ेंगे। धर्मवीर जी, आपने जैसे कि रक्षाबंधन के दिन एक रिक्शा चलाई है अपने घर से, पूरा दिन का जो खर्चा है रिक्शा चालक को, आपने तो क्या मन में आई थी माता बहनों के लिए? देखिए, अमूनन मैं सामाजिक और धार्मिक कार्य रूटीन में करता रहता हूँ और यह भी उस कार्य का एक हिस्सा है। जैसे मैं अपने शॉप पे बैठा था, मेरे पास एक कस्टमर आया और उसी दिन हरियाणा सरकार ने बस फ्री करी थी, तो वो जिक्र हमारे पास दोनों में हो गया। तो हम लोगों ने सोचा चलो हरियाणा सरकार है, वो बस फ्री कर रही है, तो हम कम से कम ई रिक्शा तो फ्री कर ही सकते हैं। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ई रिक्शा पावन पर्व पर, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैंने फ्री करने का निर्णय लिया, जो आज आपकी तारीख में चल रही है, जिसको आप देख रहे हैं। तो किस तरह से इसका कर्तव्य रहेगा, कहाँ कहाँ जो यात्री है माताएं बहनें उनको छोड़ के आएगी और कब से कब तक? देखिए, ये 100% निःशुल्क रहेगी और ये रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ही छोड़ी गई है, जो 30 अगस्त को है, और ये सुबह से रात तक चलेगी और 100% निःशुल्क चलेगी, जिसमें माताएं बहनें या बिटिया या कोई अन्य जो भी बैठना चाहे बैठ सकता है, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है, जो वो जाना चाहे जहां जाना चाहे वो जा सकता है। इसको तोहफा ही मान लो, मेरी तरफ से तो तोहफा ही है, बाकी कोई बड़ा तोहफा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन तोहफा ही है। तो जो रिक्शा चालक है वो बिल्कुल 100% मैंने ई रिक्शा चालक को ये कहा है कि जो भी आपकी इसके अंदर वो बनती है सैलरी, वो 100% मैं दूंगा और जितनी भी बनती है निसंकोच आप मुझसे लेना। उसने भी ये कहा है कि अपने घर की बात है, कोई बात नहीं, मैं पहले लेऊं, बाद में लेऊं, कम लेऊं, ज्यादा लेऊं, हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने आप ले लूं। मेरा नाम श्याम सुंदर है। ये ई रिक्शा जैसा कि एक दिन के लिए रक्षाबंधन के लिए फ्री की गया, क्यों, क्या बात है, ऐसा कैसे आया मन में? जैसे माता बहन आपने ये धर्मवीर जी ने करवाई है, धर्मवीर जी का मिशन है गया, उन्होंने कहा कि जो सरकार माता बहनों को फ्री बस चलाती है, तो इसलिए हम भी क्यों ना ई रिक्शा फ्री चलाई जाए। तो ऐसा मन में क्यों आया कि माताएं बहनों के प्रति सम्मान? जो माता बहनें भाइयों की सेवा करती हैं, उनको माताएं पालती हैं, बड़ा करती हैं, तो हमारे मन में यह है कि हम भी इनकी कुछ सेवा करें। हाँ जी, एक दिन के लिए फ्री। हाँ जी, तो उस दिन का क्या शेड्यूल रहेगा? उस दिन का ये शेड्यूल रहेगा, सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 5, 6, 7, 8 जो भी है उसके लिए, सबके लिए फ्री है। केवल माता बहनें नहीं है, उनके साथ भाई भी आएंगे, उनके हस्बैंड भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सबके लिए फ्री है। जो रक्षाबंधन के त्योहार के लिए जो भी जहां जाएगा वो उसको उसके घर तक पहुँचाएंगे। कैथल से वीरेंद्रपुरी, न्यूज 18।